यार लोशन लगाते ऐसे स्किन बिल्कुल चमक सी जाती है बिल्कुल। यहाँ से ना मेरा मकासे ने सूट फाड़ दिया है। और अब चलते हैं, इफ्तार का टाइम होने वाला है तो फ्रूट फ्रूट काटते हैं जल्दी से फटाफट से, और भी बहुत सारे काम है तो वो करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है रमजान का फर्स्ट फ्राइडे और अभी मैं नहा वहा कर आ गई हूँ और अब जा रही हूँ मैं नमाज पढ़ने जोहर की, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ और क्या क्या करती हूँ। आज मुझे ना वीडियो शूट भी करनी है अपनी, देखते कब तक करती हूँ। मैं असर के बाद मैं तैयार हो जाऊंगी, उसके बाद जैसे ही इफ्तार के बाद नमाज पढ़ के फिर मैं शूट करने लग जाऊंगी, देखते कैसा होता है। मन ही नहीं करता उसके बाद शूट करने का, कल भी मैं रेडी हुई थी पर शूट ही नहीं कर पाई मैं। और मेरे ना ये बैंग्स बहुत लंबे मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना ये कटिंग करानी है, क्योंकि तो मैंने बहुत टाइम से रख रखा है वो कटिंग। मतलब वो बैंग्स ही होंगे पर वो अलग होगा थोड़ा फिनिशिंग वाला। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, नमाज पढ़ लेती हूँ अभी। तो गाइस मैं आ गई हूँ अब नमाज पढ़ के। मैंने अपना मतलब बाल जो है मेरे गीले थे उसको मैंने सुखा भी लिया है, तो अब मैं जा रही हूँ बॉडी लोशन लगाने। मेरी स्किन जो है ना वो बहुत ज्यादा ड्राई है, मतलब समझ लो कि दुनिया में सबसे ज्यादा ड्राई स्किन मेरी है। इतनी ज्यादा ड्राई है कि एक घंटे में ही वो, फिर अगर मैंने लोशन लगा लिया ना वो एक घंटे में फिर दोबारा ड्राई हो जाता है, मतलब इस कदर का ड्राईनेस है मेरे अंदर। तो चलो मैं लगा लेती हूँ। सबसे ज्यादा ड्राइनेस है मेरे, इसको देखो पानी पी रही है, रोजा नहीं है ये मिमसी, एक रोजेदार के सामने पानी पी रही है, देखो इस लड़की को, वेरी बैड गर्ल। गाइस अभी यहाँ पीछे कर्टन नहीं लगाया क्योंकि जो कर्टन मुझे चाहिए बिल्कुल बेसिक सा वो मिल नहीं रहा, मतलब वो कलर वो मेरा ये खत्म हो रहा है। मैंने पता है इसका लोशन खूब लगाया मैंने और जमीन है, और जो इसका सीरम साथ में था ना बॉडी सीरम वो नहीं लगाया। वो सीरम ऐसा है कि वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता बॉडी को, चाहे लगा के रख लो पूरे दिन वैसा का वैसा रहता, लेकिन थोड़ा सा ना वो वैसा है चिपचिपा सा, तो इसलिए मैं लगाती नहीं हूँ। और गाइज मैंने ये वही सूट पहना है जो मैंने आपको दिखाया था, ये वही सूट है और अम्मी ने भी वही सूट पहना है ये सेम। यार लोशन लगाते ऐसे स्किन बिल्कुल चमक सी जाती है, बिल्कुल शाइन आ गई बिल्कुल। ये लोशन अलग है, जो बॉडी लोशन नॉर्मल वाला होता है ना उसमें शाइन नहीं होती, वो थोड़ा सा अलग होता है, पर ये लोशन अलग ही लोशन है बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैंने हाइलाइटर लगा लिया अपनी स्किन पे, ऐसा है। तो गाइज लोशन का क्रियाक्रम हो गया है और मैंने अपने फेस पे सीरम लगाया है, और ये सीरम से भाई मेरी स्किन ऐसी चमक जाती है जैसे पता नहीं कितनी ही हेल्दी स्किन हो मेरी। और अभी वो जो सीरम लगा रही हूँ ना, वो थोड़ा सा मेरे चेहरे पे काम भी कर रहा है। बताओ मैं कैसा लग रहा है, रूखा रूखा भी और ग्लोइंग भी, और मैं बहुत मसाज करती हूँ उस सीरम से यार, तो मेरी स्किन भी ना माशाल्लाह से सही हो गई, सॉफ्ट प्लम्पी और टाइट। तो गाइज अभी मैंने असर की नमाज पढ़ी है और अब चलते हैं, इफ्तार का टाइम होने वाला है तो फ्रूट फ्रूट काटते हैं जल्दी से फटाफट से, और भी बहुत सारे काम है तो वो करते हैं। यहाँ अम्मी ऑलरेडी पपीता काट रही है, क्योंकि मुझे पपीता ना पसंद ना काटना पसंद, इसलिए मैं पपीता हाथ नहीं पसंद तो भाई। और यहाँ क्या तैयारी हो रही है, तो गाइज यहाँ पे बन रहे हैं पनीर के पकौड़े और ये भी कुछ बन रहा है, और चिकन के पकौड़े बन रहे हैं, स्पेशल मेरे लिए बन रहा है यहाँ पे, ओह माय गॉड। फिर इसके बाद मेरी बारी है फ्रूट काटने की, तरबूज खरबूज। ये क्या है इतना बड़ा, ये नहीं काटी है क्या, ये कद्दू पपीता है, कद्दू फालतू में, ये देखो पपीता है ये। तो गाइस कढ़ाई जल रही है, जल्दी से हमें तेल डालना है, वाला उठाई बहुत ज्यादा हो गया, क्या टॉर्चर है ये। भाई पकौड़ों में तेल बहुत डलता है, ओह माय गॉड आज मिर्च के पकौड़े भी बनने वाले हैं। छोटी बच्ची हो क्या, भूख लग जाती है दुगनी। उसमें चाट मसाला भरो, मसाला में ये रहा, इसमें भरो, इसमें चाट मसाला भरना है, किसमें, इसमें इसमें भर, साइड करो ना मिर्च को, हाँ मिर्च को साइड, मिर्च को साइड, खड़ी को साइड नहीं, थोड़ा सा चाट मसाला रखो उसमें। एक चम्मच बेसन डालेंगे मिर्च के पकौड़े बनाने का तरीका, ये है हमारा एक चम्मच, इसमें आलू भी भर के बनता है लेकिन वो बहुत हेवी हो रहा है। नहीं वो नहीं, नॉर्मल तो बनाती हूँ वैसा, ज्यादा आर्टिफिशियल चीजें नहीं पसंद। ओके तो गाइस हमारी फ्रूट काटने की बारी है, तो हम फ्रूट्स काटेंगे, मिर्च का पकौड़ा अब हम अम्मी को सौंपते हैं। हम बनाने वाले हैं फ्रूट चाट, और फिर जब जैसे रमजान खत्म होगा ना तो इफ्तार के टाइम पे सबको भूख लग जाया करेगी, उस टाइम पे कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा, ये आदत हो जाती है। ताशिक समरीन क्या काम पड़ता है ये पहले बता, ताशिक समरीन वीआईपी पीपल, वो लोग कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं,
काश गाइस काशिफ और समीन बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है, बिल्कुल नहीं। समीन तो चलो कर भी देती है, समीन का तो चलो बिछाना सा दफ्तर काम जो हां लगाती है, वो तार लगाती है। वो लड़का रुकता नहीं है, किचन में नहीं भागने आता है। तरबूज यार किस किस का फेवरेट है? तरबूज मुझे बताओ। मेरा तो फेवरेट है भाई, लेकिन बस ठंडा होना चाहिए। मुझे वाटरमेलन ड्रिंक भी पसंद है, आज मंगा के पीऊंगी। कल हम लोगों ने वॉफल मंगाया था रात में, भाई धज्जी उड़ी हुई थी उस वॉफल की, 500 रुपए का, और वो लेकिन हम लोगों को वापस मिल गया पैसा, रिफंड आ गया था उसको। आप लोग मुझे जब तक कमेंट में बताओ कि आप लोगों का फेवरेट क्या है इफ्तार में। मेरे फेवरेट तो यार फ्रूट चाट है और पकौड़े हैं, चने, मतलब सब कुछ, एवरी। गाइज मिमसी भी आई है हेल्प करने के लिए। बुन्नी मिमो As the chemicals that take us higher, the night's young, it is true. Guys, duty मिल गई है काशिफ को पनीर काटने की। कितना दम लगा कि पनीर काट रहा है। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ आटा गूंथने, और नमाज मैंने पढ़ ली है। आज यहाँ डिनर में कोफ्ते बन रहे हैं, कोफ्ते। तो पहले आटा कूट करते हैं क्योंकि खाना भी देना ही है। पहले यार प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, बहुत। सबसे पहले मैं पानी पीऊँ, फिर गाइज आज मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, आज मैं खाऊंगी सिर्फ और सिर्फ सहरी। मिक्स करना बहुत बड़ा टास्क है आटे को, और मिक्स मैंने कर दिया है। यहाँ पे नाथ चल रहा है, रमजान स्पेशल, तो सारे नमाज पढ़ के फ्री हैं। एक बस मैंने ही नहीं पढ़ी थी, और काशिफ ने काशिफ भी पढ़ रहा है। मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ, यहाँ से ना मेरा मकासर ने सूट फाड़ दिया। उसने अपने नाखून से ना सूट फाड़ दिया, बताओ कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पे समीन अपना व्लॉग एडिट कर रही है, कितना कूद रहा है वो व्हाइट वाला। तो गाइज मेरा ना बहुत टाइम से ये सिपर बारबी वाला ऐसी पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसको हम दांत धोकर पीते हैं इसमें ही पानी, तब मस्त क्यूट है ये। लेकिन ये इसको ना ये सारी चीजें वेस्ट ऑफ मनी लगती है, तो इससे मैं छुपा कर लाती हूँ सारी चीजें। मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि मिमसी के बाल बहुत ज्यादा मेरे मुंह में आ रहे थे, मुझे छींक हो रही थी, एलर्जी बहुत ज्यादा। और अब देखो मेरी प्यारी बच्ची सो रही है, ये क्यूटी सो रही है। तो अब सहरी का टाइम होने ही वाला है क्योंकि अब बज चुके हैं 3, और मैंने खाना भी नहीं खाया था। तो ये हम चप्पल दिखाते हैं, मैंने इतने सारे चप्पल, अम्मी पता चप्पल पे चप्पल निकाल रही अपने लिए और मैं पहन लेती हूँ, वो बार बार कहीं और छोड़ देती हूँ। तीसरी बार अम्मी ने ये वाली चप्पल निकाली और इसको भी पहन लिया। अब मैंने चप्पल ऑब्सेस्ड हूँ मैं। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए सहरी बनाने, और अभी मैं दिखाती हूँ आपको मैं सहरी। मेरे पास स्नैपचैट पे आता है कि आप क्या खाती हो सहरी में, तो मैं, मेरा मन था भी पिज्जा खाने का, मैंने ऑर्डर भी सोचा था कि पिज्जा मैं करूँ, लेकिन वो 56 मिनट लग रहे हैं उस पिज्जा को आने में, इतना सबर नहीं है मेरे अंदर। तो मैंने सोचा छोड़ो यार, कल मैं जब बाहर जाऊंगी तो इफ्तार में बाहर ही कर लूंगी, तभी खा लूंगी मैं। तो अभी सबसे पहले मैं अंडे और बन बनाने वाली हूँ अपने लिए। और अभी बनाना है या बाद में? गाइस अब तो मैं कंफ्यूज हो गई, अभी बनाऊं या बाद में? मेरे हिसाब से बाद में बनाना चाहिए क्योंकि मुझे चाय भी पीनी होती है। तो छोड़ो, प्लान कैंसिल, सहरी का अटेम्प्ट 2 होगा अब। तो गाइस ये है वो जो कि है समीन का, ले पेस्ट्री। गाइस यही है वो पेस्ट्री। गाइस सहरी तो बनाने गई थी मैं, पर अम्मी ने मुझे किचन से भगा दिया कि तई मैं बना के दूंगी सहरी। तो पहली झूठी ब्लॉगर तू, अब दूसरी झूठी ब्लॉगर ये। मैंने अम्मी को बहुत बोला कि अम्मी नहीं तुम बैठ जाओ बैठ जाओ, तो अम्मी बोली नहीं मेरे होते हुए किचन में तुम कैसे काम कर सकती हो। तो इसलिए गाइज मुझे, मैंने बहुत जिद की, तो फिर अम्मी ने बहुत ज्यादा कसम वसम दी, तो मुझे आना पड़ा किचन से वापस। तो अब सहरी में दिखाती हूँ क्या है। अकेले अकेले वॉफल्स खा के ज्यादा इतराओ मत। गाइज
कल ये जो है ना हम लोगों को दावत दे रही है इफ्तार की, अगर ये पार्टी देगी इफ्तार की तो व्लॉग आ जाएगा। चलो अब गाइस कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस पे, और अब ये नमाज पढ़ेगी और ये अभी तक पड़ा हुआ है। तो गाइज मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ अपने शूट के लिए और अभी मैं जा रही हूँ, और अभी बज रहा है 3:00 PM और अभी तक तो रोज़ा नहीं लग रहा, लेकिन देखते बाहर जाके क्या होता है और कैसा जाता है हमारा रोज़ा। इफ्तार तो हमें बाहर ही करना है आज, तो चलो देखते क्या क्या मिलता है इफ्तार में। वैसे देखते कल प्लान किया था कि पिज्ज़ा खाऊंगी मैं इफ्तार में, क्योंकि रात में भी मेरा मन था, तो देखते क्या होता है। तो फिलहाल वो वाला जो मैं व्लॉग है वो स्टार्ट करूंगी अभी से, लेकिन अभी ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ यहीं पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। बाय। Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000.